हाय मेरे मित्रों, क्या हाल चाल है सबके। और गाइस, दिल्ली में तो बहुत ठंड पड़ गई है, इसलिए मेरे को ऐसा आउटफिट रखना पड़ा। ठंड बहुत है वहां भी। क्या ठंड है जहां पर आप लोग रहते हो, बताना गाइस। तो गाइस, आज फिर से न्यू रोस्ट वीडियो है। आप लोगों ने देखा होगा जो आजकल क्रिंज टाइप के फूड चल रहे हैं और क्रिंज टाइप के फूड चैलेंजेस चल रहे हैं, तो आज हम उनको रोस्ट करेंगे। अच्छा लगेगा गाइस आपको देख के। चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, आपने चिकन लेग पीस वाला आदमी देखा होगा जिसका नाम उल्लास है, जो सारे जानवरों को खाता रहता है, साला राक्षस है। तो उस राक्षस की वीडियो हम देखते हैं। अगर आप नहीं जानते तो टेंशन मत लो, मैं वीडियो प्ले कर देती हूँ उस चूतिए की। हाय फैमिली, आज का अपना स्पेशल बनाया है भाई, हलवा फिश। 3 केजी का हलवा फिश हम लोगों ने यहाँ पे जबरदस्त लोकेशन पे बनाया है भाई, एकदम जबरदस्त हुआ है। और यहाँ के गांव वाले हमारे साथ में भाई, थोड़ा सा लीजिए, टेस्ट करिए, मुझे बताइए कैसे हो गया है हलवा फिश। तो गाइस, ये है वो साला टकला जो सारे जानवरों को खा जाता है। इस चूतिये को इतनी शर्म नहीं आती कि मैं जब मरूंगा तो भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा। सारे जानवर बोलते होंगे इसने हमारी कम्युनिटी की माही चूस रखी है, मोटे साले ने। और अपने आप को तो पाप दिलवा रहा है, साथ में गांव वालों को और पाप दिलवा रहा है। 3 केजी के फिश साले। हाय फैमिली, आज का हमारा चैलेंज देखिए भाई, 2 मटन लेग पीस है 1.5 केजी का भाई, बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही गर्मा गर्म है। तो चलिए टेस्ट करते हैं। कांदा कांदा मटन लेग पीस। नहीं, हम नहीं है भाई तेरी फैमिली से। हाय फैमिली, हाय फैमिली करके सारा मूड खराब कर देगा। ट्रोल कंट्रोल उदय। साले, अगले जन्म में जितने जानवर को तू खा रहा है ना, वो सारे तेरे को ऐसे ही खाएंगे और बोलेंगे गैंडे का लेग पीस। गाइस, ये टकले को करो साइड में, इसी का टट्टा दिखाती हूँ जो इसी की तरह सारे जानवरों को खाता है। देखो उसको। बात ईगो या घमंड की नहीं है, जो लोग मुझे पसंद नहीं करते बाढ़ में जाओ। ये देखो सांड, इसे भी शर्म नहीं है, कैसे मछली दिखा रहा है जैसे बहुत बड़ा काम कर दिया। अबे सालो सुधर जाओ। क्या बोलूं, इसकी तो शायद वीडियो भी वायरल हुई थी, केदारनाथ में जाके बड़ा एनिमल लवर बन रहा था और अब यहाँ क्या कर रहा है। अबे जा भाड़ में जा। तो गाइस, आज का स्पेशल देखो, आज मैंने बनाया है भाई ऑक्टोपस। ये देखो इधर ढेर सारा है, चल इसको टेस्ट करते हैं। ऑक्टोपस हद है यार, ऑक्टोपस को भी नहीं छोड़ा। मेरे को तो समझ नहीं आता इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे पचा लेता है इन सब चीजों को। टेस्ट करते ऑक्टोपस को, ऑक्टोपस भी बोल रहा होगा ये नहीं मानेगा। तो गाइस, आज का स्पेशल देखा, आज मैंने खुद घर पे बनाया है बटर चिकन, चलो इस पर टेस्ट करते हैं। ओहो, और ये राइस और ग्रेवी। कांदा मिर्ची गांड में डाले बेटा, खा देखो। इनको ना चाइना भेज दो, सही रहेगा, फिर खाओ वहां पर जाकर कुछ भी। सुअर भी खाओ वहां पे जाके, खाते होंगे सारे सुअर भी। इन पापियों को साइड में हटाओ। अब मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसे फूड जिसको देख के ना आप भी कहोगे हे राम, उठा ले मुझे भाई, उठा ले, क्या कर रहे हैं मनुष्य। अब हड्डी भी हम है और हम ही कबाब है, हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है, हमें देख के उठता यही। इसको खाने के बाद गाइस सबको टट्टियां लगने वाली हैं। इन्होंने व्हाइट सॉस पास्ता की गाड़ी मार ली, व्हाइट सॉस टट्टी बना दी। गुलाब जामुन में कह रहा होगा क्या तूने मेरे साथ क्या सलूका किया है ना, मैं छोड़ूंगा नहीं तेरे को। गाइस, अब मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रही हूँ, वो वीडियो स्पेशली नशाड़ियों के लिए। आप लोगों को कुछ फ्लेवर्स मिल जाएंगे, कुछ एक अच्छा टेस्ट मिल जाएगा। देखो चलो दीदी की वीडियो। आज हम बनाने वाले वोट का परांठे, तो हम इस्तेमाल करने वाले यहाँ पर वोट का, बनेंगे आलू के परांठे, बट आटा हम गूंदने वाले हैं पानी के साथ नहीं, वोट का के साथ। देख लो आपके सामने डाल रही हूँ, आटा ऑलमोस्ट हमारा हो चुका है डन। दीदी सबको नशेड़ी बनाने की प्रैक्टिस करवा रही है। हाँ दीदी, अगर ये परांठे घर वालों को खिला लेना, राज को घर वाले ऐसे नाचेंगे देश शराबी देश शराबी। सही है यार दीदी, तुम भी
गाइस दीदी यहीं तक सीमित नहीं है, अब दीदी और नए नए एक्सपेरिमेंट दिखाएंगी। अब दीदी रमकी भी ऐसी की तैसी करेंगी। देखो गाइस नशेड़ियों को गुस्सा आने वाले, वो पक्का दीदी के ऊपर गाली निकालने वाले हैं। अब देखो यार, कहते हैं ना रात को हमें सारे खुराफाती आइडिया आते हैं। मैं ना कुछ मैगी की वीडियोस देख रही थी, तभी मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक एक्सपेरिमेंट वीडियो बनाऊं जो कि है रम मैगी। तो पानी की जगह हम इस्तेमाल करने वाले पूरी बोतल रम की, और भाई मुझे लगता है इसको खाने के या पीने के बाद तो बिल्कुल भी ठंड का नामोनिशान बॉडी से खत्म हो जाएगा। तो यहां डल गई हमारी मैगी और मसाला डाल के अच्छे से मिक्स करके। सबसे पहले ली मैंने, खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। रात को दीदी तुम मत सोचा करो प्लीज, दीदी रात को तुम सो जाए करो। और मैगी की तो यार मैं देख रही हूँ आजकल सबने ऐसी की तैसी कर रखी है, कभी स्ट्रिंग मैगी, कभी गुलाब जामुन मैगी, अभी ये दीदी देखो दारू वाली मैगी बना रही है। मैगी भी बोल रही होगी मैंने क्यों लिया अवतार इस धरती पे, मेरी तो इन्होंने मार के रख ली। हट, एक मैगी खा ले करती थी, अब देख के उसे खा ही नहीं जा रहा कुछ भी। तो गुलाब जामुन मैं लेकर आ चुकी हूँ और साथ में आ चुकी है हमारी रम, ये मैं सिरिंज भी लेकर आ गई केमिस्ट से, तो अभी देखते हैं क्या होगा। तो गाइस हमने इसमें फिल कर दिया है, ये डाला इंजेक्शन, ये लगा दिया, तो आता है टेस्टिंग की बारी। चेयर्स फॉर रम गुलाब जामुन। हाँ भाई साहब, कम से कम मेरे को 2 मिनट लगे खत्म करने में, पर भाई जो मीठा और रम का जो खट्टा फ्लेवर होता है ना, उसका कॉम्बिनेशन इतना मस्त लग रहा था ना, मेरे को अच्छा लगा। मैं इसको शायद खाली चटपटा तो ऐसे टेस्ट बता रही है जैसे कोई चटपटी गोली इसने ट्राई करी होगी ना, गुलाब जामुन के अंदर ही वो मिला दी ओल्ड मॉन्क या जो भी ये दारू दिया हो क्या। सपोज करो कि भाई एक तुम लोग मिठाई की दुकान पे गए और गुलाब जामुन के अंदर दारू मिली और वो दे रहा, और तुम घर आके दे शराब दे शराब दे शराबी, तुम्हारे घर वाले भी शराबियों की तरह झूम रहे हो, कैसा लगेगा गाइस। मैं दीदी की एक ऐसी वीडियो दिखाने जा रही हूँ, फीमेल ऑडियंस पक्का दीदी को गालियां देंगी क्योंकि दीदी ने हम लोगों की फेवरेट चीज के साथ अत्याचार कर दिया। भाई लड़कों का तो दीदी ने दिल दुखाई दिया था दारू के साथ एक्सपेरिमेंट करके, अब लड़कियों की फेवरेट चीज की भी माँ बहन कर दी, बहुत बढ़िया। गोलगप्पा में लेकर आ गई हूँ, सो ये राम ये रहा गोलगप्पा। ओ भाई जल्दी से इसको खाना पड़ेगा गाइस, चेयर्स फॉर गोलगप्पे, फटो से खाना पड़ेगा, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया पागल है बहुत ज्यादा। सर ये तो टट्टी है। देखो भैसी ने यार क्या गोलगप्पे के अंदर दारू मिला के एक्सपेरिमेंट किया, अबे तुम थोड़ी पागल वागल है क्या भाई, बोलता तरंगी ऐसे रही है जैसे क्या ही एक्सपेरिमेंट किया हो भाई, एंड में ऐसे मुंह बना के दिखा रही है कि गंदा है। यार हम सबको पता है गंदा होगा वो, तो क्या कर रही है और फिर बोल रही है गंदा है। चली जा यार, सारे देख के। नॉर्मल पिज्जा आपने बहुत तरह के खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ दुनिया का सबसे यूनिक पिज्जा। जी हाँ, नाम है इसका फ्रूट पिज्जा, मिलता है ये सूरत में, और इसे बनते हुए देखकर आप देखते ही रह जाएंगे। इसका बेस नहीं तो मैदा का होता है, नहीं होल व्हीट का, इनफैक्ट ये बना होता है तरबूज का। उसके ऊपर डाले जाते हैं ढेर सारे फ्रूट्स कट करके, फिर उनके ऊपर चाट मसाला, ग्लूकोज पाउडर और शहद डाला जाता है। ऊपर से डाले जाते हैं ड्राई फ्रूट्स, और ड्राई फ्रूट्स का भी नाम नहीं किया जाता है बल्कि भर भर के डाले जाते हैं। ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद फिर से डाला जाता है चाट मसाला, ग्लूकोज पाउडर और शहद, और उसके बाद डाली जाती है अमूल क्रीम। और आप देख सकते हैं अमूल क्रीम से तो बिल्कुल इसे नहला दिया जाता है। प्राइस होता है इस पिज्जा का 280 रुपए। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आप इसे खाना चाहेंगे या नहीं। देखो इस चूतिए को, इसने तो फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स की भी ऐसी की तैसी कर दी, ये नहीं सुधरेंगे फूड ब्लॉगर्स। फूड ब्लॉगर्स को ना क्रीम और बटर से अलग ही ऑब्सेशन है। देखो गाइस भैया ने पूरी अमूल की टिक्की घेर दी, देखो गाइस भैया ने क्रीम घेर दी, सेक्स कर लो गाइस उनसे, इतनी ऑब्सेशन है। तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा 3 मंजिल का बर्गर जिसका वजन किलो में नहीं कुंटलों में है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बर्गर चाचू वाले भाई की, जो कि पूरी दुनिया के सबसे बड़े बर्गर और बड़े सैंडविचेस बनाने के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले ये भाई बर्गर का बेस जिसमें कोल्सलो, फ्रेंच फ्राइज, काली मिर्च, केचप और लेटेस लगाकर 3 मंजिला बर्गर खड़ा कर देते हैं, और इनमें पनीर से लेकर हर सब्जी डाली गई होती है। ऊपर से 24 कैरेट सोने का बन लगाकर स्कूल के बच्चों में बांट दिया गया था। शेयर करना ना भूले उन दोस्तों को। और गाइस यहाँ पर हाइजीन ने अपने हाथ जोड़ लिए, इन लोगों ने ग्लव्स तो पहन लिए, चाचू आसपास का माहौल भी देख लेते हैं, मक्खियां उड़ रही हैं, और यही बर्गर तुमने बच्चों को खिला दिया, उनको फूड पॉइजनिंग हो रही होगी, उनके माँ बाप उन्हें हॉस्पिटल में लेके जा रहे होंगे, सालों तुम्हें बद्दुआएं लगेंगी, सुधर जाओ। देख लो गाइस, तुम्हें कहीं पर ऐसी चीजें मिल रही होंगी ना फ्री में, तब भी मत खाना। जो भी तुमने कचड़ा बनाया बर्गर की ऐसी की तैसी करी, बहनों से अच्छे से तो बनाते, चूतिया चाचू है। गाइस नेक्स्ट वीडियो में आपको ऐसे ही दिखाऊंगी कि आपके अंदर आग लग जाएगी।
उस इंसान के अंदर आग लगी है नहीं लगी तो वही जाने, बट आपके अंदर आग लग जाएगी देख के। हाँ चाचा सारी मिर्चे खा लो। चाचा सुबह तुम्हारे अंदर से आग नहीं निकलती क्या? बम के गोले तो हफ्ते हो गए, प्रॉब्लम नहीं होती क्या कोई? अजीब है भाई, खाया जा रहा कैसे खा लेते हैं ये लोग? दाद देनी पड़ेगी यार इनको, अजीब लेवल का टॉलरेंस है इनका। 11,000 रुपए हो जाएंगे आपके अगर 40 सेकंड में आप इस दो शोरमा को कंप्लीट करते हो। ये इन्होंने ट्राई किया, ये भाई नहीं कर पाए, आप लोग कभी भी आके ट्राई कर सकते हैं। हाँ हाँ जनता तो छूट गया, तेरे ही आई ये शोरमा का चैलेंज करने आएगी। गाइस मत जाना ऐसे चैलेंजेस में, ये सब स्कैम होता है, ये सब बकचोदियां पेलते हैं। ऐसे बहुत यूट्यूबर हैं और इंस्टाग्राम पे हैं कि आप 10 लड्डू खाओ एक मिनट में तो ये मिलेगा, ये कैश प्राइज मिलेगा, ये सब स्कैम होता है। ये सब मिलके हमें चूतिया बनाते हैं फूड ब्लॉगर्स के साथ। और गाइस मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, अगर ये स्कैम के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, इसमें मैं एक एक चीज बताऊंगी, तो कमेंट कर देना, इस स्कैम का हम पर्दाफाश करेंगे। बाकी गाइस जितने भी मैंने फूड चैलेंजेस दिखाए, जितने भी मैंने चूतिया चीजें दिखाई हैं, आप ट्राई मत करना वरना आप सीधा ऊपर जाओगे और यमराज आपको लेने आ जाएगा। बाकी गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज गाइज लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।